स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हम कहां पर और किस तरह से उनको हमें यूज करना चाहिए, ये इस वीडियो का टॉपिक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। तो पहला पॉइंट हमारा है कि जो एडवर्ब्स होते हैं मैनर के, प्लेस के और टाइम के, वो या तो वर्ब के बाद आएंगे या अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव है तो उसके बाद आएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द शिप इज गोइंग स्लोली। स्लोली हाउ? एडवर्ब ऑफ मैनर, गोइंग स्लोली। तो गोइंग क्या है? आपकी वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आपका एडवर्ब है। ही डज हिज वर्क केयरफुली। हाउ? केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हिज वर्क क्या है आपका? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के बाद आया है। आई विल कम हियर। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वर्ब के बाद आया है। I met him yesterday. When? टाइम का एडवर्ब है, तो किसके बाद आया है? ऑब्जेक्ट के बाद। तो पहला पॉइंट क्या है कि या तो वर्ब के बाद आएगा और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, तीनों, प्लेस, मैनर और टाइम। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो नॉर्मल आपका सीक्वेंस होता है एडवर्ब्स का, सबसे पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। जैसे अगर तीनों एक साथ हैं, दो एक साथ हैं, तो सीक्वेंस यही रहेगी। She sang well. How? Well, manner हो गया। Where? Here. तो पहले क्या आता है? How? और फिर क्या आता है? Where? फिर क्या आता है आपका? When? ये तीन आपके adverb sequence में आते हैं। We should go there tomorrow. Go there. When? Where? There. When? Tomorrow. तो ये क्या है आपका? ये adverb of place और time है। He will speak honestly here. How? Honestly. और उसके बाद क्या है आपका? Where, यानी कि adverb of place. तो यही हमारा order होगा इनका हमेशा। Next point पर discuss करते हैं, adverb of frequency, जैसे usually, never, always, often, और कुछ और दूसरे adverb भी, जैसे almost, already, hardly, nearly, just, quite, ये कहाँ होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखे जाते हैं। इफ देयर इज वन वर्ड ऑफ द वर्ब, केवल अगर वर्ब का क्या है? एक ही वर्ड है, और अगर एक से ज्यादा है, अदरवाइज आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड है वर्ब में, और वर्ब की बात है, मेन वर्ब भी, एक्शन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मिला करके हम बात कर रहे हैं यहाँ। हिज वाइफ नेवर कुक्स। हिज वाइफ नेवर कुक्स, कुक्स वर्ब है, हिज वाइफ सब्जेक्ट है, बीच में आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैव ऑफन टोल्ड। टोल्ड आपका वर्ब है, हैव आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पहला हम बोल रहे हैं इसको, दोनों को काउंट करना है, तो पहले वर्ड के बाद अब रखा गया ऑफन। आई ऑफन हैव नहीं, आई हैव ऑफन। माई ब्रदर हैज जस्ट लेफ्ट, वही प्रोसेस है, हैज के बाद जस्ट और फिर लेफ्ट। आई क्वाइट अग्री, अब क्या है? केवल एक ही वर्ड है अग्री, और सब्जेक्ट है आई, इसके बीच में क्या है आपका? क्वाइट। आई रेयरली गो, गो वर्ड है हमारा वर्ब का, और आई सब्जेक्ट है, बीच में रेयरली है। आई रेयरली गो टू टेंपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली पुट बिफोर एन ऑक्सिलरी और सिंगल वर्ब बी व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड। अभी हमने ऑलवेज और ऑलरेडी वगैरह को पढ़ा है कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, लेकिन अगर इनको स्ट्रेस देना हो, बहुत इंपॉर्टेंस देनी हो जब आपको, तो आप इसे तुरंत सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं या वर्ब से पहले होना चाहिए। ही ऑलवेज कम्स, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे अभी अभी, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड है। आई ऑलरेडी हैव कंप्लेंट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लेंट नहीं, आई ऑलरेडी, क्योंकि हम ऑलरेडी को क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेस करना चाहते हैं, उसको इंपोर्टेंस देना चाहते हैं। आई यूजुअली एम फ्री, आई एम यूजुअली फ्री नहीं, आई यूजुअली एम फ्री, हालांकि इस तरह के सेंटेंस कम बनाते हैं, लेकिन आई यूजुअली एम फ्री, यूजुअली को आप इंपोर्टेंस देना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? वर्ब से पहले रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैव टू और यूज टू, ये क्या होता है? ये अब इनसे पहले एडवर्ब आता है। आई ऑफन हैव टू गो टू ऑफिस बाय माई ओन कार, अक्सर मुझे अपनी कार से जाना पड़ता है ऑफिस। तो हैव टू से पहले क्या है? ऑफन हमारा एडवर्ब है, पहले आया है।
शी ऑलवेज यूज टू फाइट विद मी। यूज टू से पहले क्या आया आपका? ऑलवेज एडवर्ब, वो हमेशा मेरे साथ लड़ती थी। एडवर्ब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। जैसे द डॉग वॉज क्वाइट डेंजरस, डेंजरस क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और क्वाइट क्या है? एडवर्ब, तो वो उससे पहले आया है एडजेक्टिव से। द बुक इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या एडजेक्टिव और वेरी क्या है? एडवर्ब। लास्ट पॉइंट है हमारा, एक्सेप्शन है इस रूल का। एक्सेप्शन क्या है? जो वर्ड है इनफ, इनफ जो वर्ड है वो किसके साथ आता है? वो एडवर्ब के बाद आता है। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड, इनफ लाउड नहीं, लाउड इनफ, ये इसका एक्सेप्शन है। द बॉक्स वॉज बिग इनफ, इनफ बिग नहीं, बिग इनफ। इनफ का मतलब स्पोक लाउड इनफ, खूब जोर से बोला, टू बी हर्ड जिसे सुना जा सके। द बॉक्स वॉज बिग इनफ, काफी बड़ा था। तो ये इस तरह से आप इसको एडवर्ब्स की जो पोजीशन है ये हमने डिस्कस की, इनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।